हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टेक्स्ट चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है टीडीएस में, वो आता है सेक्शन 192 जो बात करता है टीडीएस ऑन सैलरी की। यहाँ पर थ्रेशहोल्ड लिमिट देता है सेक्शन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की। जो भी एसएससी की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, फॉर एन एग्जांपल 2,50,000 या 3,00,000, अगर वहाँ तक सैलरी मिल रही है तो वो हो जाएगी एग्जम्प्ट। उसको अगर एक्सीड कर जाती है, सैलरी हो जाती है टैक्सेबल। किस रेट से टैक्सेबल होती है? तो सेक्शन बात करता है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पर कंप्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स। पेयर कौन होगा? तो वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है सैलरी इनकम को पे करने के लिए। और पेई कौन है? इंडिविजुअल, दैट इज एम्प्लॉई। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 192 कैपिटल ए, जो बात करता है प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहा है अमाउंट की, तो उस केस में जो टीडीएस का रेट लगा करता है वो होता है 10%। इन केस जो पेई है, अगर वो पेन नहीं देता है पेयर को, तो उस केस में जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा एमएमआर। बात करते हैं पेयर और पेई की। तो पेई होते हैं इसमें ट्रस्टीज ऑफ द ईपीएफ स्कीम या कोई अदर पर्सन जो ऑथराइज किया गया है पेमेंट के लिए। टाइम ऑफ डिडक्शन की बात करें तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। थ्रेशहोल्ड लिमिट यहां पर सेक्शन प्रोवाइड कराता है, अगर पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट 50,000 तक है, यानी अप टू 50,000, तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इन केस अमाउंट एक्सीड करती है 50,000 को, तो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 193 जो बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। रेट जो यहाँ पर टीडीएस का रहता है वो रहता है 10% का। बात करें थ्रेशहोल्ड लिमिट की, तो सेक्शन डिफाइन करता है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम 8% सेविंग बॉन्ड्स या 7.75% सेविंग बॉन्ड्स, तो इस केस में जो इंटरेस्ट अगर अप टू 10,000 तक है तो कोई भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस 10,000 को एक्सीड करता है ये इंटरेस्ट, इस केस में फिर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर पब्लिक कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू किए हैं और उस केस में जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो अप टू 5,000 तक है, और इंटरेस्ट की जो पेमेंट की जा रही है किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को की जा रही है बाय एन अकाउंट पे चेक, यानी अदरवाइज देन बाय वे ऑफ कैश, तो इस केस में भी टीडीएस डिडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात करें पेयर और पेई की, तो पेई यहां पर होता है एनी रेजिडेंट पर्सन, और पेयर होता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। डिडक्ट कब किया जाता है टीडीएस? तो सेक्शन मेंशन करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 194 कैपिटल ए, जो बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इस केस में सेक्शन बात करता है कि अगर इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहा है एसएससी, वो रिसीव करता है 40,000 तक का इन ए फाइनेंशियल ईयर, और ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये पे कर रही है कोई बैंकिंग कंपनी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, या कोई पोस्ट ऑफिस है, तो इन सभी केसेस में जो इंटरेस्ट है वो 40,000 तक हो जाएगा एग्जेम्प्ट। बट अगर एसएससी यहां पर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में ये जो डिडक्शन की लिमिट है वो हो जाएगी 50,000। बाकी सभी केसेस में सेक्शन मेंशन करता है कि 5,000 की अमाउंट अगर एक्सीड करती है तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस का क्या रहने वाला है? तो रेट ऑफ टीडीएस होगा 10%। पेयर और पेई की बात करें, तो पेई यहां पर होता है एनी रेजिडेंट पर्सन, और पेयर होता है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचईएफ जिनका टैक्स ऑडिट ना हुआ हो प्रीसीडिंग ईयर में। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाएगा? तो सेक्शन मेंशन करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन 194B, जो बात करता है टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम और एनी अदर गेम्स। तो इस केस में सेक्शन मेंशन करता है टीडीएस का जो रेट होगा वो हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट अवेलेबल है क्या? तो सेक्शन मेंशन करता है कि अगर ये जो विनिंग्स है लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल से, ये अप टू 10,000 तक है, तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर ये 10,000 को एक्सीड करती हैं तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। पेयर और पेई की बात करें, तो पेई है एनी पर्सन और पेयर भी है एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 194BB, जो बात करता है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस। ये सेक्शन हमारा अर्लियर सेक्शन 194B से मिलता जुलता सेक्शन है।
यहाँ पर भी सेक्शन बात करता है हॉर्स रेस से विनिंग्स रिसीव कर रहा है एसएससी, तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो 30% की रेट से किया जाएगा। इन केस जो विनिंग्स है वो अप टू 10,000 तक है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। पेयर और पेई की बात करें तो पेई जो है वो है एनी पर्सन और पेयर है एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या रहता है इस केस में? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 194C जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इस केस में सेक्शन मेंशन करता है दो स्पेसिफिक रेट्स 1% एंड 2%। 1% का जो रेट एप्लीकेबल होता है वो उस केस में एप्लीकेबल होता है जहां पर पेई जो है इंडिविजुअल या एचयूएफ है, और 2% जो रेट होता है वो बाकी जितने भी एसएससी हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल है क्या? आंसर इज यस। अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में जो अमाउंट है वो 30,000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और अगर एग्रीगेट कॉन्ट्रैक्ट है तो जो वैल्यू है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की वो 1,00,000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। दूसरी बात सेक्शन बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट अवेल किया है तब भी उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा उन पर्सनल पर्पसेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बात करें पेयर और पेई की तो पेई है यहाँ पर एनी रेजिडेंट पर्सन, और पेयर जो होता है वो होता है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन 194D जो बात करता है टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन का जो रेट स्पेसिफाई किया है सेक्शन ने वो है 5%। बात करें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की तो सेक्शन मेंशन करता है कि अगर इंश्योरेंस कमीशन जो है अप टू 15,000 तक का है इन ए फाइनेंशियल ईयर तो कोई भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पेयर और पेई को समझे तो पेई यहां पर है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर भी है एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाता है तो सेक्शन मेंशन करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 194DA जो बात करता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी अमाउंट जो है पे की जा रही है उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो सेक्शन मेंशन करता है अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर जो पॉलिसी होल्डर है उसे अमाउंट मिलती है अप टू 1,00,000 तो कोई भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन केस ये अमाउंट एक्सीड करती है 1,00,000 को तो टीडीएस लग जाया करता है एट द रेट ऑफ 1% अप टू 31st August 2019, बट 1st सितंबर 2019 से ये जो रेट है वो हो गया है 5%। पेयर और पेई की बात करें तो पेई है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर भी है एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाएगा तो सेक्शन मेंशन करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 194E जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो इस केस में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो किया जाता है एट द रेट ऑफ 20%। बात करें पेयर और पेई की तो पेई यहां पर होता है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन जिसमें कोई एथलीट वगैरह है उसे भी इंक्लूड कर लिया गया है, और एंटरटेनर जो यहां पर हमने रेगुलर बैच में भी समझा था कि जो आईपीएल में चीयर गर्ल्स होती हैं उन्हें भी यहां पर इंक्लूड कर लिया गया है। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन वो भी पेई की डेफिनेशन में यहां पर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। पेयर होता है यहां पर एनी person who is responsible for making such income। rate जो रहता है वो रहता है 20% का, और time क्या रहेगा deduction का TDS का तो section mention करता है at the time of credit of such income to the account of payee or at the time of payment whichever is earlier। साथ ही हमें यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी नॉन रेजिडेंट का टीडीएस डिडक्ट होगा तो उस केस में अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो भी लगेगा, और अगर सेस है तो वो भी लगेगा। अदरवाइज सभी जो रेट है टीडीएस के वे विदाउट सेस और सरचार्ज ही एप्लीकेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन 194EE जो बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस। इस केस में भी जो रेट होता है टीडीएस का वो होता है 10%। बात करें थ्रेशोल्ड लिमिट की तो यहां पर होती है 2,500 इन ए फाइनेंशियल ईयर। पेयर कौन होता है तो पेयर यहां पर है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम, और पेई जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ। बात करें टीडीएस की डिडक्शन की तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 194G जो बात करता है टीडीएस ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। तो इस केस में रेट जो एप्लीकेबल होता है टीडीएस का वो होता है 5%। बात करें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की तो सेक्शन मेंशन करता है कि अगर कमीशन जो है लॉटरी टिकट की सेल पर वो अप टू 15,000 है इन ए फाइनेंशियल ईयर तो कोई भी टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन केस ये कमीशन एक्सीड करता है 15,000 को तो टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है।
पेयर और पेई को समझे तो पेई यहाँ पर होता है एनी पर्सन और पेयर भी होता है एनी पर्सन। टीडीएस डिडक्ट कब किया जाता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 194H जो बात करता है टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। तो इस केस में जो रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल होता है वो होता है 5% का। बात करें पेयर और पेई की तो पेई यहाँ पर होता है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF जिनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। TDS डिडक्ट कब किया जाता है तो सेक्शन मेंशन करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी अवेलेबल है क्या? तो सेक्शन बात करता है कि अगर 15,000 तक का कमीशन या ब्रोकरेज रिसीव हो रही है इन ए फाइनेंशियल ईयर तो कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 194I जो बात करता है TDS ऑन रेंट की। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें अवेलेबल है क्या? तो सेक्शन बात करता है कि अगर रेंट जो अमाउंट है वो अप टू 2,40,000 है इन ए फाइनेंशियल ईयर तो यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस की बात करें तो यहां पर दो रेट जो हो टीडीएस के मेंशन किए गए हैं। अगर रेंट पर दी गई है कोई प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट तो उस केस में रेट हो जाता है 2% का, और अगर कोई लैंड या बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट टू अ बिल्डिंग या फर्नीचर्स या फिटिंग दिए गए हैं रेंट पर उसका रेट होता है 10%। बात करें पेयर और पेई की तो पेई यहां पर है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर है हमारा एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF जिसका प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट ना हुआ हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 194IA जो बात करता है TDS ऑन पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर जो रेट होता है TDS का वो होता है 1%। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल है क्या? तो आंसर इज यस, यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट है कंसिडरेशन की अप टू 50 लाख। अगर कंसिडरेशन ट्रांसफर की अप टू 50 लाख तक है तो TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे, अदरवाइज TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएंगे। TDS डिडक्ट कब किया जाएगा? तो सेक्शन बात करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेयर और पेई को समझे तो पेई यहाँ पर है हमारा रेजिडेंट ट्रांसफरर और पेयर है एनी पर्सन अदर देन पर्सन जिस पर सेक्शन 194LA के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हों। नेक्स्ट इज सेक्शन 194IB जो बात करता है TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF। इस सेक्शन में जो TDS का रेट एप्लीकेबल होता है वो होता है 5%। बात करें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की तो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 50,000 तक की, अप टू 50,000 फॉर ए मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ अगर रेंट की अमाउंट है तो TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। TDS डिडक्ट कब किया जाता है? तो सेक्शन बात करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो टेनेंट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वैकेट कर देता है रेंटेड प्रॉपर्टी तो जब वो वैकेट कर रहा है TDS तब डिडक्ट कर लिया जाएगा। पेयर और पेई कौन है? तो पेई यहाँ पर है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर कौन है इंडिविजुअल और HUF अदर देन दोज इंडिविजुअल और HUF जिनका टैक्स ऑडिट हुआ है प्रीसीडिंग ईयर में। नेक्स्ट इज सेक्शन 194IC जो बात करता है TDS ऑन पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जो रेफर किया जाता है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A में, यानी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग यहां पर TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल किए गए हैं उनकी बात चल रही है। रेट जो रहता है TDS का वो रहता है 10%। पेयर और पेई कौन है? पेई है हमारा एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर कौन है? वो पर्सन जो लैंड या बिल्डिंग या दोनों के डेवलपमेंट राइट्स जो है एक्वायर कर रहा है पेई से। क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल है क्या? आंसर इज नो। TDS डिडक्ट कब किया जाता है? तो सेक्शन बात करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 194J जो बात करता है TDS की ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी या नॉन कम्पीट फीस या डायरेक्टर रेमुनेशन के केस में। इस केस में रेट जो होते हैं दो रेट मेंशन किए जाते हैं TDS के। पेई अगर कॉल सेंटर के बिजनेस में एंगेज्ड है तो रेट रहता है 2%, बाकी अदर पेईज के लिए रेट होता है 10% का। थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन यहां पर बताता है 30,000 के लिए फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम। ईच कैटेगरी ऑफ इनकम मीन्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस, बट डायरेक्टर रेमुनरेशन के लिए कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। पेयर और पेई की बात करें तो पेई यहां पर होता है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF जिनका प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स ऑडिट ना हुआ हो।
TDS डिडक्ट कब किया जाता है, तो सेक्शन बात करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 194LA जो बात करता है TDS ऑन कंपनसेशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है सेक्शन के द्वारा 250,000 की। अगर 250,000 तक की कंपनसेशन मिल रही है तो TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। अमाउंट एक्सीड करती है 250,000 को तो TDS लगा करता है एट द रेट ऑफ 10%। पेयर और पेई कौन होता है, तो एनी रेजिडेंट पर्सन है पेई और एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच सम टू द रेजिडेंट पेई वो हो जाता है पेयर। TDS डिडक्ट कब किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 194M जो बात करता है TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज और TDS ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ये सेक्शन उन असेसीज पर एप्लीकेबल होता है जिन पर सेक्शन 194C, 194H और 194J के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी जाती है सेक्शन के द्वारा वो है ₹50 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर और रेट जो रहता है TDS का वो रहता है 5%। पेयर और पेई की बात करें तो पेई है एनी रेजिडेंट पर्सन और पेयर है इंडिविजुअल और HUF जिनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है प्रीसीडिंग ईयर में। TDS डिडक्ट कब किया जाता है, तो सेक्शन बात करता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 194N जो बात करता है TDS ऑन कैश विड्रॉल्स की। यहाँ पर जो रेट एप्लीकेबल होता है वो होता है 2% ऑफ द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड होते ही कैश विड्रॉल पर लग जाता है TDS एट द रेट ऑफ 2%। थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो सेक्शन मेंशन करता है कि अगर कैश विड्रॉल अप टू 1 करोड़ तक है तो कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा, एक्सीडिंग 1 करोड़ TDS डिडक्ट हो जाएगा। बात करें पेयर और पेई की, तो पेई है एनी पर्सन और पेयर है एनी बैंकिंग कंपनी या कोई बैंक या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज है या कोई पोस्ट ऑफिस। TDS डिडक्ट कब किया जाता है, तो सेक्शन बात करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम। जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं यहाँ पर रोल आता है फिर सेक्शन 206AA का जो बात करता है कि अगर डिडक्टी अपना पैन फर्निश नहीं करता डिडक्टर को तो उस केस में जो TDS डिडक्ट किया जाएगा वो हायर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन जो रेट स्पेसिफाई किए गए हैं प्रोविजंस में या जो रेट या रेट्स एप्लीकेबल हैं इनफोर्स या एट द रेट ऑफ 20%, तीनों में जो हायर होगा उस रेट पर TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की यानी एडवांस टैक्स की। लायबिलिटी कब अराइज होती है एडवांस टैक्स की, तो सेक्शन बात करता है कि एडवांस टैक्स पेबल हो जाएगा असेसी के थ्रू जहां पर उसकी टैक्स की जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 और मोर। तो इन सभी केसेस में असेसी को जो है अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन ने बात की है एक एक्सेप्शन की कि अगर एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन पर्सन है जिसकी कोई भी PGBP की इनकम नहीं है तो उस केस में अगर उसका टैक्स की जो अमाउंट है वो ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड करती है 10,000 को तब भी उस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट। ये जो ड्यू डेट या इंस्टॉलमेंट्स है ये एप्लीकेबल होती है सभी असेसीज पर अदर देन वो असेसी जिन्होंने सेक्शन 44AD या सेक्शन 44ADA ऑप्ट किया हुआ है। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 जून, नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। 15 जून तक असेसी को जो है पे कर देना है एडवांस टैक्स नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट ड्यू डेट आती है ऑन और बिफोर 15 सितंबर, तो इस केस में जो असेसी है उसे नॉट लेस देन 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस जो अमाउंट वो ऑलरेडी पे कर चुका है उसे रिड्यूस करके जो बैलेंस बची अमाउंट पे करनी है एज एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट ड्यू डेट इज ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, तो इस केस में जो असेसी है नॉट लेस देन 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस करेगा जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका है और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करा देगा। नेक्स्ट ड्यू डेट इज ऑन और बिफोर 15 मार्च, तो इस केस में जो अमाउंट पेबल होगी द होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका है एसएससी अर्लियर इंस्टॉलमेंट में से, जो बैलेंस अमाउंट है वो उसे पे करनी है एज एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट उन एसएससी की बात करते हैं जिन्होंने 44AD या 44ADA ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में सेक्शन बात करता है इनके लिए ड्यू डेट हो जाती है ऑन और बिफोर 15th मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट अगर 31st मार्च तक भी ये एसएससी एडवांस टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तब भी ये ट्रीट किया जाएगा कि इन्होंने जो पेमेंट की है वो की है ऑन और बिफोर 15th मार्च। पेमेंट कितनी की जाएगी, तो सेक्शन बात करता है होल ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी इन्हें 15th मार्च तक पे कर देनी है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट कराने में एसएससी करता है डिफॉल्ट, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो सेक्शन 234B एंड 234C। सेक्शन 234B तब अट्रैक्ट होगा जब एसएससी ने या तो एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं की है, या एडवांस टैक्स की पेमेंट तो उसने की है बट लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स की है, तो उस केस में 234B हो जाएगा एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पीरियड क्या रहेगा? फ्रॉम द 1st अप्रैल फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 1431। और इन केस अगर कोई स्क्रूटनी असेसमेंट नहीं है 1431 वाली, तो जहां पर रेगुलर असेसमेंट हो रही है उस डेट तक इंटरेस्ट जो है एप्लीकेबल होगा। असेस टैक्स का मीनिंग समझे तो असेस टैक्स का मीनिंग सेक्शन डिफाइन करता है जो टैक्स डिटरमाइन किया गया है टोटल इनकम पर, जो टोटल इनकम डिटरमाइन हुई है स्क्रूटनी असेसमेंट दैट इज 143 सबसेक्शन 1, और अगर रेगुलर असेसमेंट हुई है उसमें से लेस दीजिए टीडीएस या टीसीएस, या कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 वाली, या कोई एएमटी क्रेडिट है तो वो भी रिड्यूस कर दीजिए। बैलेंस जो बचा वो क्या हो गया? असेस टैक्स की अमाउंट। इन केस अगर एसएससी ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे कर दिया है अंडर सेक्शन 140 कैपिटल ए में, तो उस केस में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, और रिड्यूस कर दिया जाएगा अगर कोई इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी उसने पे कर दिया है 140 कैपिटल ए में। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेक्शन 234C की। सेक्शन 234C का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है एसएससी पे तब होता है जब उसने कोई शॉर्ट पेमेंट की है एडवांस टैक्स की। पहले हम करेंगे उन एसएससी के लिए 234C जिन्होंने 44AD या 44ADN नहीं लिया हुआ है। तो इस केस में हम कैसे इंटरेस्ट कंप्यूट किया करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर भी डेट मेंशन की हुई है कि अगर एसएससी ने ऑन और बिफोर 15 जून 15% तक की पेमेंट नहीं की तो सेक्शन 234C के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। शॉर्टफॉल कैसे कंप्यूट किया जाता है? तो लॉ बात करता है 15% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, उसमें से रिड्यूस कर दीजिए जो एडवांस टैक्स पे किया है एसएससी ने 15 जून तक, जो ये शॉर्टफॉल है इस पर लग जाएगा 1% की रेट से इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। नेक्स्ट जो ड्यू डेट है वो है 15 सितंबर। 15 सितंबर तक एसएससी को 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है। इन केस एसएससी जो है अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% तक डिपॉजिट नहीं करा पाता ऑन और बिफोर 15 सितंबर, तो उस केस में शॉर्टफॉल कैलकुलेट किया जाता है। शॉर्टफॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो टैक्स ड्यू है रिटर्न इनकम में उसका 45% कंप्यूट किया जाता है और रिड्यूस कर दिया जाता है एडवांस टैक्स जो पे किया है एसएससी ने अप टू 15 सितंबर। ये अगर शॉर्टफॉल बैलेंस निकल के आता है तो इस पर इंटरेस्ट लगता है एट द रेट ऑफ 1% फॉर 3 मंथ पीरियड। नेक्स्ट ड्यू डेट जो आती है वो होती है 15 सितंबर। 15 सितंबर तक एसएससी को अपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 75% डिपॉजिट करा देना चाहिए। इन केस अगर शॉर्टफॉल है इस केस में भी तो 75% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम कंप्यूट किया जाएगा, उसमें से रिड्यूस की जाएगी एडवांस टैक्स की अमाउंट जो पे की है एसएससी ने 15 दिसंबर तक। बैलेंस जो निकल के आएगा उस पर लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। नेक्स्ट जो डेट होती है वो होती है 15 मार्च। 15 मार्च तक जो है एसएससी को 100% एडवांस टैक्स अपना डिपॉजिट करा देना चाहिए। इन केस वो 100% डिपॉजिट नहीं करा पाता तो उस केस में कंप्यूट किया जाएगा 100% ऑफ टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम और रिड्यूस कर दी जाएगी अमाउंट जो उसने एडवांस टैक्स की पेमेंट की है अप टू 15 मार्च तक, और इंटरेस्ट जो लगेगा फिर इस बैलेंस अमाउंट पर वो लगेगा 1% फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो अगर एसएससी है उसने करंट इनकम पर एडवांस टैक्स की पेमेंट कर दी है ऑन और बिफोर 15 जून नॉट लेस देन 12% या ऑन और बिफोर 15 सितंबर नॉट लेस देन 36%, तो उस केस में भी 234C के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी यहाँ पर जो 15% या 45% लिखा है 12% और 36% कर देंगे और फिर कंप्यूट करेंगे शॉर्टफॉल की अमाउंट को। नेक्स्ट अब बात करते हैं टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम, इसका मीनिंग क्या है? तो सेक्शन डिफाइन करता है जो भी टैक्स चार्जेबल हुआ है टोटल इनकम पर कि जो उसने रिटर्न में डिक्लेयर किया है उसमें से रिड्यूस कर दे टीडीएस की अमाउंट, कोई टीसीएस है तो वो, या कोई रिलीफ मिली है अंडर सेक्शन 89 या कोई एएमटी का क्रेडिट है तो वो, तो जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम। बात करें 44AD या 44ADA वाली एसएससीज की तो उस केस में सेक्शन बात करता है तो इन एसएससी को अपनी पेमेंट कर देनी चाहिए ऑन और बिफोर 15 मार्च तक। इन केस ये एसएससी पेमेंट नहीं करते हैं तो इन पर लग जाता है 234C का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1%,
और लगेगा कब से? फ्रॉम द टैक्स ड्यू ऑन द रिटर्न इनकम। चलिए अब उन केसेस की बात करते हैं जहां पर सेक्शन 234C एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेक्शन बात करता है कि अगर शॉर्टफॉल हुई है टैक्स की पेमेंट में और ये जो शॉर्टफॉल हुई है ये फॉलोइंग रीजंस की वजह से हुई है। नंबर वन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स अराइज हुए हैं असेसी को, इस वजह से शॉर्टफॉल हो गई है, या असेसी को इनकम आई है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा, या असेसी को इनकम हुई है अंडर द हेड बीजीबीपी और ये जो इनकम उसे एक्रू या अराइज हुई है वो हुई है फर्स्ट टाइम। इनकम अगर होती है असेसी को डिविडेंड इनकम जो एक्सीड करती है 10 लाख को, तो ये चार तरह की जो इनकम है अगर ये असेसी को हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इन इनकम का असेसी पहले एस्टिमेशन नहीं लगा पाया था जब वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर रहा था, तो वहां पर सेक्शन 234C के इंटरेस्ट के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन इन पर जो टैक्स की अमाउंट है वो असेसी को पे कर देना चाहिए ऑन और बिफोर द 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तभी जो है सेक्शन 234C के प्रोविजन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं TCS के प्रोविजन की, सेक्शन 206C की। TCS के केस में जो सेलर होता है अगर सर्टेन गुड्स की सेल करता है तो उसे कलेक्ट करना पड़ता है बायर से टैक्स, इस टैक्स को बोला जाता है TCS। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर ऑफ गुड्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उस केस में जो TCS होता है वो होता है 1%, अगर स्क्रैप है तो भी TCS है 1%, अगर मिनरल्स है जैसे कोल या लिग्नाइट या आयरन और तब भी TCS का रेट होता है 1%, टेंडू लीव्स के केस में जो TCS का रेट होता है वो होता है 5%, बाकी जो अदर केसेस हैं जैसे टिम्बर ऑप्टेन किया जा रहा है एक फॉरेस्ट लीज में, या टिम्बर ऑप्टेन किया जाता है एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज, या कोई अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो टिम्बर या टेंडू लीव्स नहीं है, तब भी रेट जो है वो है 2.5%। तो बेसिकली यहाँ पर 1%, 5% और 2.5% का रेट एप्लीकेबल होता है इस चार्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन जिसे ग्रांट की गई है कोई लीज या लाइसेंस या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके लिए, कोई पार्किंग लॉट के लिए या टोल प्लाजा के लिए या माइन और क्वेरी के, तो उस केस में जो TCS का रेट होता है वो हो जाता है 2% का। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है वो आता है कि अगर कोई सेलर मोटर व्हीकल की सेल करता है जिसकी वैल्यू 10 लाख को एक्सीड करती है तो उस केस में भी जो TCS का रेट होता है वो हो जाता है 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो यहां पर जो हमारा TCS, TDS और एडवांस टैक्स का जो चैप्टर है उसकी रिविजन होती है बेटा फिनिश। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इसका रिविजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।